हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ बस्ती, और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ पटीश्वर पार्क में, और वहाँ का व्यू आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको यहाँ बाहर का व्यू दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है बाहर का गेट, और यहाँ पर हम बाहर हैं, बाहर का व्यू है ये सब, और यहीं से ब्लॉग बना रहे हैं। अब अंदर का व्यू अंदर जाके दिखाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों पटीश्वर पार्क में, और वहाँ का व्यू आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। बने रहिए ब्लॉग में, आपको अच्छे अच्छे चीज़ देखने को मिलेंगे। खेल कूद करने वाले वहाँ पर बहुत चीज़ होंगे, बहुत लोग आए होंगे। चलते हैं, फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ का व्यू आपको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आपको व्यू दिखाने, यहाँ का कौन कौन सा चीज़ मतलब यहाँ पर है, खेलने वाला भी है, और मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर। स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल भी जाके अंदर से दिखाया जाएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में, चलिए दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं ये मतलब ये सब खेलने वाले हैं, खेलने कूदने वाला है, यहाँ बच्चे खेलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए क्या है, ये ये क्या भाई, क्या है ये, क्या है झूला, ये झूला है जो बच्चे मतलब झूलते हैं। और वहाँ देखिए जो सरकने वाला होता ना, ये बड़े बड़े लोग भी सरकते हैं उसमें से। और मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है पार्क फिर भी, लेकिन बस्ती में ये नंबर वन पार्क है। यहाँ बस्ती में अगर आइए तो कटेश्वर पार्क ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी आते हैं, और कई लोग मतलब साथ में भी आते हैं। तो सोचा यहाँ का ब्लॉग भी आपको दिखाया जाए। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने लायक, लेकिन फिर भी जितना चीज़ है हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइज, आप देख सकते हैं पीछे हमारे मतलब कपल्स भी आते हैं यहाँ पर साथ में, और सोचा आपको दिखाया जाए। तो देख सकते हैं ये दो कपल्स यहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं, और काफ़ी कपल्स आते हैं यहाँ पर, तो सोचा कि इसके बारे में आपको बताया जाए। और बहुत कुछ आपको दिखा रहे हैं, बने रहिए आप ब्लॉग में। गाइस यहाँ देखिए बच्चे झुलवा झूल रहे हैं, और नदी सबको दिखा रहे हैं झुलवा झूल रहे हैं। देख सकते हैं बच्चे झुलवा झूल रहे हैं, हम भी झूलना चाहते हैं, लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब दिल की ख्वाहिश से बोल दिया कि मतलब झूलना हम भी चाहते हैं। और वहाँ देखिए बड़े बड़े लोग भी मतलब झुलवा झूल रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है, और वहाँ सामने स्विमिंग पूल है जो बच्चे नहा रहे हैं, और काफ़ी मज़ा कर रहे हैं लोग। और वहाँ देखिए बत्तख वाला जो नाव है उसमें बच्चे तैर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब बनाया हुआ है बैठने के लिए, यहाँ पर लोग बैठते हैं, और आइसक्रीम वगैरह अंदर मिलता है जो मतलब घूमने आते हैं यहाँ खाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर लोग झुलवा झूल रहे हैं, काफ़ी लोग झुलवा झूल रहे हैं, बड़े से छोटे लोग भी झुलवा झूल रहे हैं, और मिलवाते हैं आपको कपल्स लोगों से। तो चलते हैं आगे, और वहाँ का दृश्य दिखाया जाएगा आपको। नहीं मिलेंगे यार, चलो देखा जाता ना, कहीं मिलेंगे तो वहाँ वीडियो पे दिखाया जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं आप ये सब मतलब झुलवा झूल रहे हैं, और काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ का, देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। काफ़ी दृश्य यहाँ का अच्छा है गाइस। हाँ साइड में कुछ होगा, पेड़ पौधा लगा हुआ है ना, देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य यहाँ का। वही था, आप आइए तो जरा कैमरे में आइए आप। तो आप देख सकते हैं ये हमारे मोहित भाई हैं, और वीडियो में आ गए हैं। भाई आप कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? काफ़ी मतलब छोटा है पार्क, लेकिन फिर भी बस्ती में यही एक पार्क है जो देखने लायक है, और कहीं आपको पार्क नहीं मिलेगा। एक और पार्क का नाम सर, अरे यार उसका नाम था सोनू पार्क का, वहाँ थोड़ा उधर है। तो और कुछ नहीं, कहाँ चला जाए, स्विमिंग पूल में चला जाए क्या? तो देख सकते हैं ये सब, ये यहाँ के कचरे पचरे इसमें डाले जाते हैं। और मिलिए आप इनसे, नन्हे क्या है, क्या नाम इनका, नहीं ये देखिए ये बड़े लोग झलवा झूलते हैं, नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आता है। तो दोस्तों आप यहाँ आइए तो इस झलवे में ज़रूर बैठिए। हाँ और चलो यहाँ चलो, और इधर देखा जाए, काफ़ी मासूम लग रही है भाई बैठे हुए। तो दोस्तों मतलब ये है पार्क का सबसे ऊपरी सिरा जो ये सड़कने वाला होता है, वहाँ पर हम आए हुए हैं, और वहाँ से ब्लॉगिंग किया जा रहा है। काफ़ी मतलब यहाँ सुंदर दृश्य दिखाया जा रहा है, जो ऊपर का व्यू दिखाया जाएगा। मैं भी आपको इस ब्लॉग में ये सब व्यू मतलब दिखाऊंगा,
बैक कैमरा करके। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, हम आपको बैक कैमरा करके सब पूरा व्यू दिखा रहे हैं ऊपर से, और कुछ अच्छा देख पाएंगे क्योंकि नीचे से उतना सही नहीं दिखता है, लेकिन ऊपर से आप पूरा व्यू देख पाएंगे, पूरे ग्राउंड का व्यू आपको दिखाया जाएगा इसमें। तो दिखाते हैं ग्राउंड का व्यू। तो गाइज देखिए, ये ऊपर का व्यू है, मतलब ऊपर से वीडियो बनाया गया है ये, और काफ़ी सुंदर दृश्य दिख रहा है। और यहाँ देख सकते हैं मतलब काफ़ी लोग हैं, और वहाँ देखिए फिटनेस भी कर रहे हैं, मतलब जो आते हैं लोग यहाँ पर, मतलब थोड़ा बहुत लड़के उड़के जो होते हैं ना, सब मतलब फिटनेस का कार्य भी करते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग मतलब यहाँ हैं, और वीडियो मतलब यहाँ से देखिए कितना सुंदर है। यही है पार्क, इसके उधर थोड़ा सा हिस्सा है, और ये बीच में वहाँ दिख नहीं रहा है, वहाँ जो है वहाँ वो जो बना हुआ है गोला सा, उसमें मतलब स्विमिंग पूल है, बच्चे वहाँ पर स्नान कर रहे नहा रहे हैं। तो यही सब है, मतलब ज़्यादा बड़ा फील्ड नहीं है, छोटा सा ये बस इतना ही है, यही दिखाना था ऊपर से, देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है दिख रहा है, और बस यही बताना था ब्लॉग में। तो दोस्तों बस हो गया ये वीडियो यहाँ पर, यहाँ पर समाप्त होता है जो था हमने यहाँ बताया। और दोस्तों काफ़ी कुछ मतलब यहाँ जो था जितना भी था सब आपको इस ब्लॉग में बताया गया, ज़्यादा बड़ा ये पार्क है नहीं, इसीलिए क्या बताएं इसके बारे में। तो ब्लॉग यहाँ पर समाप्त हो, दोस्तों नए मिलते हैं नए ब्लॉग में।